नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की तरफ। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,15,230 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक प्रतिदिन मिलने वाले नए संक्रमितों की ये सर्वाधिक संख्या है। वहीं कोरोना से 24 घंटों के दौरान कुल 630 मौतें भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने रैली को संबोधित करते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता की नाराजगी पर भी सवाल उठाए। अपनी रैली में योगी ने कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि वो कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। चिढ़ भाजपा से है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक रैलियों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 30 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। वहीं सरकार ने 11 जिलों में लगे नाइट कर्फ्यू की मियाद को भी 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कार में अकेले सफर के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर हावड़ा के पिलखाना में भाजपा प्रत्याशी उमेश राय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन पर पत्थरबाजी की गई है। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने कड़ी सुरक्षा के बीच जनसभा को संबोधित भी किया और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि इस पत्थर का हिसाब 10 अप्रैल को जनता लेकर रहेगी। अमृतसर में भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। वहीं तलाशी में बीएसएफ के जवानों को 2 AK-47 असॉल्ट, 2 मैगजीन, 22 किलो हेरोइन, 1 मोबाइल फोन, प्लास्टिक की पाइप और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे जिले में 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। रायपुर के कलेक्टर एस भारती दासन ने बताया कि लॉकडाउन 9 अप्रैल से शुरू होगा। कोरोना की लहर का प्रभाव बॉलीवुड इंडस्ट्री पर काफी तेजी से पड़ रहा है। कोरोना की चपेट में आए दिन नए मामले नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह समय फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी कठिन समय साबित हो रहा है। फिल्म के निर्माता उम्मीद कर रहे थे कि सलमान खान की राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई और कंगना रनौत की थलाई भी एक साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब मेकर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट और आगे शिफ्ट कर सकते हैं। प्रतिदिन कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कोविड-19 का शिकार होते नजर आ रहे हैं। कैटरीना ने अब खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से कोरोना पॉजिटिव होने की खबर शेयर की है। कैटरीना ने कहा कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, खुद को तुरंत आइसोलेट कर लिया है और घर ही क्वारंटीन में रहूंगी। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार प्रोटोकॉल का पालन कर रही हूँ। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बुधवार को घोषणा की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।